तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम तो ज़रूर फेस की होगी टर्मेक्स के अंदर कि एक टाइम पे वो बस एक कमांड को ही यूज़ कर सकते हैं और जब तक वो कमांड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो दूसरा कमांड नहीं डाल सकते। बट आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और इस चीज़ को मैं भी फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी ज़्यादातर वीडियोज़ में ताकि हर एक काम को हम लोग जल्दी जल्दी कर सकें। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप लोगों को टर्मेक्स अपना ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे की स्टेप जो होता है किसी भी कमांड का या फिर मेरे किसी भी ट्यूटोरियल का, वो होता है एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड। ये करना भाई 101% जरूरी होता है और ये मतलब हमेशा जरूरी रहेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये करते नहीं है, इस वजह से वो गलती करते हैं। तो आइए मैं जल्दी से एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड बहुत ही अच्छे से हो चुका है। अब आप लोगों को एक स्पेशल टूल को इंस्टॉल करना है अपने टर्मेक्स के अंदर। आइए मैं बताता हूँ कौन सा टूल है। आपको सिंपल से यहाँ पे जाके लिखना है पीकेजी इंस्टॉल, यहाँ पे देख सकते हैं पीकेजी इंस्टॉल टीमक्स। आप लोगों को टर्मेक्स जैसे होता है ना वैसे यहाँ पे एक टूल का नाम है टीमक्स। तो आप लोगों को क्या स्पेलिंग लिखनी है, TMUX। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये लिखोगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये टूल आपका बहुत ही अच्छे से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये बहुत ही कमाल का टूल है। आपको नहीं पता ये मतलब कितनी हेल्प कर सकता है आपकी। ये दरअसल क्या करता है, आपके टर्मेक्स को भाई मल्टीपल विंडोज़ में बांट देगा ताकि आप लोग हर एक विंडो के अंदर एक अलग काम कर सको। है कि नहीं कमाल का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल से। जैसे ये टूल आप लोगों का डाउनलोड हो जाए उसके बाद आप लोगों को सिंपल से लिखना है टीमक्स। यहाँ पे देख सकते हैं टीमक्स मैंने लिखा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलत ना करिएगा। और उसके बाद हम लोग जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा जो टर्मेक्स है वो कुछ इस टाइप का आप लोगों को ओपन होके दिखने लगेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे मल्टीपल विंडो तो कहीं दिखी नहीं रही मुझे, अब क्या है इसमें मल्टीपल विंडो वाला खेल। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको अपने इसी टर्मेक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब एक टर्मेक्स आपका इधर चलता रहे और एक टर्मेक्स आपका उधर चलता रहे, अगर आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है अपने टर्मेक्स को, तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को इस टाइप का सारा सेक्शन तो दिख ही रहा होगा। आपको सिंपल से एक बार कंट्रोल के ऊपर दबाना है। ठीक, एक बार आपने कंट्रोल दबाया, फिर आपने एक बार बी दबाया। ठीक, कंट्रोल दबा लिया, हम लोगों ने बी दबा दिया, फिर आप लोगों को जाना है और आपको अपने कीबोर्ड में ढूंढना है ये परसेंटेज का साइन। जैसे ही आप लोग इस परसेंटेज के साइन को दबाते हो, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो टर्मेक्स है ना ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक हिस्सा टर्मेक्स का इधर चल रहा है, एक हिस्सा इधर चल रहा है कि नहीं, काफ़ी कमाल की चीज़। अब आप लोग एक कमांड को यहाँ पे डाल सकते हो, एक कमांड को यहाँ पे डाल सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल से मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीकेजी इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, मैं यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉलेशन लगा दे रहा हूँ, इंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ से हमारा जो पाइथन का पूरा सिस्टम है वो यहाँ से इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, और अभी तो हमारे पास ये वाली जगह खाली पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे गिट को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा पीकेजी इंस्टॉल गिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया गिट और यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे कि एक तरफ तो हमारा पाइथन चल रहा है बट एक तरफ यहाँ पे हमारा गिट अभी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर कैश लॉक, ये प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पे एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होता है। अगर मान लेते हैं कि एक प्रोसेस यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो गया, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख पाओगे वेटिंग फॉर कैश लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये प्रोसेस जैसे ख़त्म होगी ये प्रोसेस वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, ये जो टूल है ये टूल वैसे इन डेवलपर्स को बनाने की खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये वाला जो फीचर है ये फीचर टर्मेक्स के अंदर पहले से ही अवेलेबल था। अगर आप ये टीमक्स को इंस्टॉल नहीं भी करते तो भी यही काम हो सकता था। बट यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सेपरेट सेपरेट विंडो दे दी है, इस वजह से आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा बहुत ही कमाल का लग रहा है। यहाँ पे देख पाओगे जैसे ये ख़त्म हुआ ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि टर्मेक्स के अंदर ये पहले से ही फैसिलिटी मतलब मौजूद थी कि आप लोग दो काम सेपरेट अलग अलग जगहों पे कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज और है, मान लेते हैं कि आप लोगों में भी इस टाइप से कुछ सेक्शन हो गया, कीबोर्ड आपका स्टक हो गया, कीबोर्ड आपको ओपन नहीं हो रहा, तो आपको सिंपल से क्या करना है, बैक करना है
और बैक करने के बाद आपको वापस से टर्मिक्स ओपन करना है तो कीबोर्ड आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। इस साइड को मैंने क्लियर किया और यहाँ पे गया और इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी हमारा ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग विंडोज को सेपरेट इस टाइप में कैसे बांट सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको विंडोज अपनी ये जो एक विंडो इधर है एक विंडो इधर है इसको इस टाइप में सेपरेशन देना है तो आपको क्या करना होगा, जिस भी विंडो को आपको सेपरेट करना है इस एंगल में आपको क्या करना होगा, उस विंडो के ऊपर इस टाइप से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको सिंपल से अब टाइप करना है कंट्रोल, एक बार कंट्रोल आपने दबाया, ठीक है, एक बार आपको बी दबाना है। ठीक है, और बी दबाने के बाद आपको सिंपल से ये जो दो डैश दिख रहे हैं ना इनको दबा देना है। जैसे ही आप लोग ये दबाओगे यहाँ आप लोग देख पाओगे हमारे पास टर्मिक्स की एक ऊपर विंडो है, एक विंडो यहाँ पे। इसी टाइप से आप लोग इधर भी कर सकते हो, सिंपल से यहाँ पे मैं जैसे इसको टैप करता हूँ वो थोड़ा सा ग्लिच वगैरह हो गया होगा आई थिंक सो, वो जो चीज़ आई, यहाँ पे जाता हूँ मैं, एक बार कंट्रोल और एक बार बी दबाया और एक बार ये दबाया तो यहाँ पे देख पाओगे कि हमारे पास चार विंडो हो गई है, चारों में हम लोग सेपरेट काम कर सकते हैं। अब चलिए ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि चारों में सेपरेट काम हो सकता है, बट मैं जो आपको बता रहा था कि ये फीचर पहले से ही मौजूद था टर्मिक्स के अंदर, बस इन लोगों ने थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिया है, सामने सामने सारी विंडो दिखने लगी हैं इस वजह से आपको थोड़ा ये नया लग रहा होगा, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नया नहीं था। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिक्स को बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस से जब टर्मिक्स को ओपन करता हूँ ना तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे टर्मिक्स में स्लाइड का ऑप्शन होता है। अगर मैं स्लाइड यहाँ से करता हूँ टर्मिक्स को, ओके ये देखिए स्लाइड हो गया, यहाँ पे एक न्यू सेशन का ऑप्शन होता है। अगर मैं न्यू सेशन ओपन करता हूँ ना तो यहाँ पे देखिए टर्मिक्स का एक सेक्शन यहाँ चल रहा है और एक सेक्शन यहाँ चल रहा है। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कुछ भी करते हो, मान लो यहाँ पे आपने एपीटी अपडेट किया यहाँ पे और एंटर कर दिया, ये यहाँ चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपीटी और अपग्रेड, ठीक है, यहाँ पे मैंने एपीटी अपग्रेड कर दिया और ये यहाँ पे चल गया, है कि नहीं कमाल की चीज़। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन यहाँ पे आपका था ये चल गया, एक सेक्शन यहाँ पे था ये चल गया। तो ये फीचर इसके अंदर मौजूद पहले से था, बट इन लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा एडवांस जैसा होता नहीं है कर दिया, उन लोगों ने थोड़ा सा एडवांस कर दिया और आपकी विंडो पे सेपरेट यहाँ पे दिखने लग गया, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। Thank you.